अपने बिजनेस कारोबार को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तानी रिपोर्टर की इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 45, 3 और नए मामले आए सामने। पुणे में आई कोरोना की मरीज, कैसे उसको बैठाया गया एम्बुलेंस में, बरती गई कैसी सावधानी। विदेशों में फंसे 276 भारतीय कोरोना वायरस की चपेट में। कोरोना वायरस के कारण शेयर बाजार में मचा हाहाकार। 18 मार्च के दिन निवेशकों के डूबे 5 लाख करोड़। थाने के डी मार्ट में कैसे कोरोना वायरस के चलते ग्राहकों को दिया जा रहा है प्रवेश देख। कोरोना के चलते होम क्वारंटाइन का स्टैंप लगे हुए 4 यात्रियों को चलती ट्रेन से नीचे उतार। एंटी कोरोना वायरस के मैट्रेसेस का विज्ञापन करने वाले फर्नीचर विक्रेता के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको कोरोना से संबंधित अलग अलग खबरें बता रहे हैं, वो भी एक साथ, एक के बाद एक। हमारी सबसे पहली खबर है, महाराष्ट्र में अब तक कोरोना वायरस से बाधित मरीजों की संख्या 45 हो चुकी है। 18 मार्च तक की यह संख्या है और 18 मार्च के ही दिन 3 और नए मरीज राज्य के अलग अलग विभागों से नए पाए गए हैं। ये 3 नए मरीज एक रत्नागिरी से है, एक पुणे से है, एक पिंपरी चिंचवड़ से है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये तीनों मरीज जो है वो दुबई और फिलीपींस से आए हुए हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी इन खबरों में अब हम आपको दिखा रहे हैं 17 मार्च का पुणे का एक वीडियो। पुणे रेलवे स्टेशन पर कोरोना से बाधित एक महिला यात्री उतरी और उसके बाद प्रशासन ने, हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस, प्रशासन के दोनों विभागों ने कितनी सावधानी और कितनी खबरदारी बरतते हुए इस मरीज को एम्बुलेंस तक पहुंचाया। वीडियो देख करके आप खुद दंग रह जाएंगे कि कोरोना वायरस के चलते कितनी सावधानी और कितनी खबरदारी बरती जा रही है। देखिए कैसे इस महिला को बेहद सतर्कता के साथ और बहुत बेहद सावधानी के साथ एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा रहा है। से जुड़ी खबरों में अगली हमारी खबर है विदेशों में फंसे भारतीयों की। जो खबर सामने आई है वो दिल दहलाने वाली है। अलग अलग देशों में, भारत से बाहर यानी विदेशों में रहने वाले 276 लोग कोरोना वायरस से बाधित हो चुके हैं, यानी कोरोना वायरस का उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। जिनमें अकेले ईरान में 255 भारतीय हैं जो धार्मिक यात्रा पर वहां गए थे मगर वहां कोरोना वायरस का शिकार बन बैठे। वहीं यूनाइटेड अरब इमीरेट में 12 भारतीयों को कोरोना वायरस हो चुका है। इटली में 5 लोग बाधित हो चुके हैं, हांगकांग में 1, रवांडा में 1, कुवैत में 1, श्रीलंका में 1। ऐसे इन 4 देशों में प्रति देश 1 भारतीयों को कोरोना वायरस का बुखार या मर्ज हो चुका है। वहीं विदेश मंत्रालय ने इन तमाम 276 लोगों को कोरोना वायरस होने की और इनके टेस्ट पॉजिटिव आने की पुष्टि भी की है। अभी इनके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है उसकी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। कोरोना वायरस से संबंधित खबरों में अब हमारी अगली खबर है, कोरोना वायरस का शेयर बाजार पर क्या असर पड़ा है। लगातार दिन ब दिन शेयर बाजार गिरता जा रहा है, लाखों करोड़ों का जो है रोजाना नुकसान हो रहा है। 18 मार्च को भी कोरोना वायरस के कारण शेयर बाजार
खुला तो अच्छे से, लेकिन अचानक उसमें गिरावट आना शुरू हो गई। दोपहर के सत्र तक शेयर बाजार का सेंसेक्स जो है वो 30,000 से नीचे चला गया, 29,293.88 पर सेंसेक्स रुका, जिसके चलते 373.20 अंकों की इसमें गिरावट देखी गई, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि निवेशकों का एक ही दिन में यानी 18 मार्च को केवल इस एक दिन में 5,00,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। यह पूरी रकम निवेशकों की डूब चुकी है। लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप में भी भारी गिरावट आई है। दूसरी तरफ भारत, जापान, चीन के ग्रोथ फोरकास्ट में भी जो है भारी गिरावट का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। भारत का ग्रोथ फोरकास्ट जो है 5.7 से 5.2 पर आ चुका है और ये और भी इससे नीचे जा सकता है, ऐसा अनुमान अर्थ विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किया है। कोरोना वायरस की अगली खबर में हम आपको बता रहे कि किस तरीके से ठाणे के डी मार्ट स्टोर में, मॉल है ये बहुत बड़ा, यहाँ पर ग्राहकों को एक साथ अंदर न छोड़ते हुए टोकन दे करके बारी बारी चुनिंदा ग्राहक, कम संख्या में ग्राहक कैसे छोड़े जा रहे हैं और किस तरीके से इस डी मार्ट के अंदर पूरी व्यवस्था की गई है। हैंड सैनिटाइजेशन हर आने वाले ग्राहक को दिया जा रहा है, पहले टोकन लो और उसके बाद मॉल में आप अंदर प्रवेश करो। देखिए डी मार्ट मॉल का ये वीडियो। फोन लगा रहा था, तेरा फोन लग रहा नहीं था। विदाउट टोकन किसी का एंट्री नहीं होगा। ग्रीन और ऑरेंज कलर से मिक्सर के Dear customer, welcome to DMart store. For your shopping convenience, बढ़ते कोरोना वायरस के प्रभाव में हमारी अगली खबर भी इसी से संबंधित मुंबई से है। चार लोग मुंबई एयरपोर्ट पर जर्मनी से आकर के उतरे थे, चारों भारतीय हैं, चारों सूरत के रहने वाले हैं। एयरपोर्ट पर ही इनके हाथ पर होम क्वारंटाइन का स्टैंप लगाया गया, यानी कि इन्हें किसी भी तरीके से भीड़ भाड़ का हिस्सा नहीं होना था, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना था, भीड़ से खुद को अलग रखना था। ऐसी इन्हें एयरपोर्ट पर सूचनाएं भी दी गई थी और उसी के निर्देश के तहत होम क्वारंटाइन का ये स्टैम्प भी लगाया था, मगर उसके बावजूद 18 मार्च बुधवार के ही दिन ये चारों लोग मुंबई से गरीब रथ ट्रेन में यात्रा करते पाए गए। पालघर जैसे ही ये ट्रेन पहुंची, टिकट चेक करने वाले टीसी ने इनके हाथों पर चारों के स्टैम्प देखा, फिर वहीं ट्रेन पालघर में रुका करके इन चारों को उतारा गया। इन चारों ने बताया कि वो जर्मनी से उतरे थे और एयरपोर्ट पर उनके हाथों पर ये स्टैम्प लगाया गया था और वो सूरत में रहते इसलिए अपने घर जा रहे थे सूरत, मगर टीसी की सूचना पर इनको उतारने के बाद इनकी वहां पर मेडिकल जांच के लिए इन्हें पालघर के ही सरकारी अस्पताल ले जाया। कोरोना वायरस की अगली हमारी खबर है कि कैसे इस बीमारी का फायदा अपना व्यापार धंधा बढ़ाने के लिए और लोगों को गुमराह कर पैसे कमाने के लिए भी किया जाता है। भिवंडी कशेली पे जो फर्नीचर का मार्केट है, यहीं पर एक फर्नीचर विक्रेता है और इस फर्नीचर विक्रेता का मुंबई शिवड़ी में शोरूम भी है। इसने एक विज्ञापन छपवाया एंटी कोरोना वायरस मैट्रेसेस का, इस पे सोएगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया ऐसा बाकायदा पोस्टर छाप करके आप ये मैट्रेसेस खरीदिए, इस पर सोइए, आपको कोरोना वायरस नहीं होगा और अगर कोरोना वायरस हुआ है तो उससे आप मुक्ति पा लोगे, इस तरीके का ये विज्ञापन चलाया गया। वहीं ठाणे जिला परिषद के मेडिकल अधिकारी डॉक्टर बालासाहेब सर्जेराव डावखर के पास लोगों ने ये शिकायत बताई कि किस तरीके से मैट्रेसेस का कोरोना वायरस से जोड़ करके विज्ञापन चलाया जा रहा है, एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है। उन्होंने इसकी पूरी छानबीन की, छानबीन करने के बाद जो है पूरी तरीके से इसे फर्जी पाया, यानी इस मैट्रेसेस में ऐसी कोई खासियत नहीं है, क्योंकि दुनिया में जिन देशों में कोरोना वायरस अब तक बुरी तरीके से फैला है वहां पर अभी तक इसकी कोई असरकारक दवाइयों का पता वो देश नहीं लगा पाए हैं, कोई ऐसा इंजेक्शन या कोई ऐसी दवाई अभी तक सामने नहीं आई है।
तो फिर ये कोरोना मैट्रेसेस जो है कैसे प्रभावित साबित हो सकती है। जांच के बाद पता चला कि कोई दवाई, कोई इंजेक्शन या किसी तरह का कोई मतलब मेडिकल चीज का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो अरिहंत करके ये जो कंपनी है उसके खिलाफ नारपुली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। ये थी हमारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के साथ कौन कौन से सेक्टर पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे कैसे उपाय योजना की जा रही है और क्या हालात है, इस पर रोशनी डालने वाली आज की अलग अलग